दोस्त दोस्त को मुबारकबाद ही देता है, वो उधर से लिखता है हैप्पी होली, तो ये भी इधर से जवाब देता है हैप्पी होली, ये भी वही जवाब दे रहा है। वो अपने यहां बर्थडे मनाता, अपने दोस्तों को बुलाता है, ये भी इस कल्चर के अंदर मुब्तला है, और ये भी आता है तो ये भी बर्थडे मनाता है और अपने दोस्तों को बुला करके बाकायदा केक की भी काटा जा रहा है। जो इस्लाम में है ही नहीं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में कभी भी ये काम नहीं किया, नबी अकरम ने कभी भी ये काम नहीं किया। कि जब जिस दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, उस दिन आपने अपनी जिंदगी में कभी बर्थडे मनाया हो? अल्लाह के नबी 63 साल तक रहे और अल्लाह के नबी ने कभी भी ये काम नहीं किया। हालांकि इंसान जैसे जैसे अपनी जिंदगी खत्म करता है, वैसे वैसे वो अपने कब्र के करीब पहुंचता चला जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ सवार है, और ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है, गाड़ी के ऊपर सवार है, और हर किसी की गाड़ी उसकी मंजिल की तरफ जा रही है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जिसकी मंजिल ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, जवानी में उसकी मंजिल खत्म, जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे तक पहुंचा वहां जाकर के मर गया। अब हर साल आदमी जहन में बना रहा और बेटा की मोहब्बत में, या ये कह लीजिए कि इन गैरों की मुशाबिहत में लोग बर्थडे मना रहा है, अपने यहाँ केक भी काट रहा है, और नौजवान ये तबका सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहा हूँ। गौर करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिस किसी ने किसी कौम के मुशाबिहत इख्तियार की वो उन्हीं में से माना जाएगा। गैरों का तरीका, शिर्क तो नहीं कर रहा, कब्रों को पूछ तो नहीं रहा है, सजदा तो नहीं कर रहा है, लेकिन गलत दूसरे काम करके अपने आप को जहन्नम कन्फर्म कर रहा है। एक गुनाह की वजह से जन्नत से निकाल दिया, कितने गुनाह हो रहे हैं। नबी की जिंदगी में कभी आपने नहीं मनाया, सहाबा को कभी मनाने का हुक्म नहीं दिया, हजरत उमर फारूक ने नहीं मनाया, हजरत अबू बकर ने नहीं मनाया, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, इन बड़े बड़े सहाबा कराम को देखो, इन लोगों ने भी नहीं मनाया। और जिन बड़े बड़े इमाम को हम और आप इमाम मानते हो, इमाम इमाम इमामुल अंबिया को भी देखिए, उसने भी नहीं मनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं मनाया। चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, और इसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी देखो मेरे भाइयों, इन लोगों ने भी ये काम नहीं किया है। आज ये मुसलमान ये काम कर रहा है, पैसा आ गया है तो हर साल केक काट रहा है, मौत के करीब पहुंच रहा है और जिंदगी की खुशी मना रहा है। मेरे भाइयों, हर किसी को सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी से एक साल कम हो गया, मेरे पास नेकियां ज्यादा है कि कम है, मैंने अल्लाह की फरमा बर्दारी ज्यादा की है कि कम की है, मैंने अल्लाह का हक ज्यादा निभाया है कि कम निभाया है, मैंने अपनी जिंदगी में नेकियां ज्यादा की हैं कि गुनाह ज्यादा किए हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और गौर फिक्र करना चाहिए। अल्लाह कहता मेरे बंदो, हम तुम्हें जरूर बजरूर तुम्हें आजमाएंगे, आहसे बन्ना सो अयो तो रकुआ बन्ना वहला युक्तनून, आई लोगो क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जरूर बजरूर आजमा के रहेंगे। तुम अगर मुसलमान हो, अहले दीस हो, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जिन चीजों में पढ़ के अपने आप को तुम बर्बाद कर सकते हो, उसी उन्हीं सब चीजों में बहुत सी चीजें आज हमारे दौर में आ चुकी है। मोबाइल आ गया है, मोबाइल के चक्कर में आज हमारा नौजवान नस्ल बर्बाद हो रहा है, हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। मोबाइल ने बच्चे को जवान कर दिया, बूढ़े को जवान कर दिया, लड़कियों को बेपर्दा कर दिया, लड़कियों को गलत काम करवा रहा ये मोबाइल। आज मोबाइल हंसाता है तो मोबाइल रुलाता है, मोबाइल उठाता है तो मोबाइल सुलाता है। आज इस मोबाइल के फितने ने हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया, और जिम्मेदारान सोए हुए हैं। आज आप देखिए
उत्तर प्रदेश की एक लड़की मुस्लिम लड़की, उसी झारखंड का एक लड़का मामला आया सामने। फेसबुक से दोस्ती हुई, प्यार मोहब्बत इश्क, और वो लड़की वहां से भाग कर भी यहां आ गई झारखंड। इस तरीके से बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त किस्म का एक फितना है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदो, जिस तरीके से शैतान ने तुम्हारे बाप दादा को फितने में मुब्तला किया था, आजमाइश में मुब्तला किया था, आई मेरे बंधु कहीं तुम्हें तुम्हारा शैतान, तुम्हें वो शैतान कहीं फितने में मुब्तला करके तुम्हें दुनिया के अंदर तुम्हें जलील न कर दे, रुस्वा न कर दे और जहन्नमी न बना दे। जब तुम्हारे बाप दादा को नहीं छोड़ा तो तुम्हें छोड़ेगा? इतना जिंदगी को खूबसूरत बना करके रखेगा कि आपको लगेगा ये मस्जिद क्या चीज है। आज भी मगरिब में देखी मस्जिद में नहीं, हो चौराहों में बैठा है, घरों में बैठा है, आराम कर रहा है, फैमिली नमाज नहीं पढ़ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटा नहीं पढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटी नमाज नहीं पढ़ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखोगे तो अल्लाह के नबी इस नमाज की इतनी ज्यादा फिक्र किया करते थे। उनको मालूम था, वो जानते थे, उनको मालूम था कि कयामत के दिन पहला सवाल इसी नमाज के ताल्लुक से होगा। अव्वल मा युहासब बिल अब्द यौमल कियामती अस्सलाम, सबसे पहला सवाल कयामत के दिन सारे लोगों से, चाहे वो मौलवी हो चाहे मौलवी ना हो, चाहे वो जाहिल हो अमीर हो गरीब हो, पहला सवाल इसी नमाज के ताल्लुक से होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी नमाज की बड़ी फिक्र किया करते थे। और आखिरी समय जब अल्लाह के नबी दुनिया से छोड़ने लगे, उस वक्त आपने फरमाया था लोगो सुनो, नमाज नमाज नमाज, अस्सला 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 वमा मलकत अयमानुकुम, लोगों नमाज की फिक्र करना और अपने खादिमों के साथ अच्छा सलूक करना। ये अल्लाह के नबी की फिक्र थी कि तुम्हें शैतान इतना बहका देगा दुनिया की चमक दमक में, माल में, औलाद में इतना तुम्हें बहका करके रख देगा कि इंसान मस्जिद को भूल जाएगा। अब एक गुनाह नहीं है, कितने गुनाह है उसको हम गिन नहीं सकते। गौर कीजिए, आप तसव्वुर कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। हमारी औलाद जहन्नम की तरफ जा रही है, हमें कोई फिक्र नहीं। हम खुद जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, हमें खुद फिक्र नहीं। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। आज शैतान कान में तेल लगा करके सो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम खुद मुसलमान कर रहा है। केक खुद काट रहा है, दूसरे को बुला करके खिला भी रहा है और दूसरे लोग खा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। शादी ब्याह में बाराती बन करके जा रहा है, शैतान का भाई बन करके। हाँ, आपके यहाँ बारात का सिस्टम है तो होगा ही, बाराती बनकर के नहीं जाएंगे तो ओरिजिनल मुसलमान कहां से कहलाएंगे। यह हाल है मेरे भाइयों, जरा सोचिए। जहेज का कारोबार, ये सब शैतान ने वो रास्ते बना दिए हैं कि अब तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये सब गुनाह करके कितने गुनाह तैयार कर लो कि जन्नत में जाने के दूर की बात जन्नत के बारे में सोचना भी नहीं, इतने गुनाह करवा देगा। सिर्फ नमाज नहीं है मेरे भाई को, ये तो हुकूकुल्लाह है। इसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाए तो हो सकता अल्लाह माफ कर दे, ये अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ने अल्लाह से जो वादा किया है और अल्लाह ने बंदों को कहा है कि आए मेरे बंदो, शैतान तुम्हें इतना बहकाएगा, तुम उसके बहकावे में मत आना। माल को बड़ा खूबसूरत बना करके पेश करेगा और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छा माल दिखेगा, दौलत दिखेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जमाना ऐसा आएगा कि लोग एक दूसरों में मुकाबला करेंगे, या तताबलुन्नासु फिल बुनियान, बिल्डिंगें बनाने में मुकाबला करेंगे। उसने अपना घर बनाया है, इतना अच्छा खूबसूरत घर बनाया, हम भी इतना अच्छा खूबसूरत घर बनाएंगे। अब अच्छा घर बनाने के लिए वो हलाल और हराम की तसव्वुर भी नहीं करेंगे और जर्रा बराबर हलाल और हराम का भी ख्याल नहीं करेंगे। माल आना चाहिए, चाहे कैसे भी माल लो, हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो। या अब्दी अलन्नासी जमानुल्ला युबालिल मरु मा खज़ा मिन्हु,
امین الحلال یا من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دو لوگ آپس میں مال کمائیں گے لیکن اس بات کی فکر نہیں کریں گے کہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا۔ کتنے لوگ ہیں